أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اس کا مقصد اس کو سمجھنا اور اس کے اندر غور و فکر کرنا اس میں موجود اعجاز اور معجزات یا پچھلی قوموں کے واقعات مستقبل کی پیشین گوئیاں اصل چیز ان میں غور و فکر کرنا ہے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا
और ये कुरान अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए, मुत्तकीन के लिए बायस हिदायत बनाया है। हुदल्लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए ये किताब हिदायत है, रहनुमाई है। तो कोई किताब उस वक्त हिदायत और रहनुमाई बनती है जब आपको उसका पता हो कि इसमें लिखा क्या हुआ है, या तो वो आपकी अपनी ज़ुबान में हो, और आपकी अपनी ज़ुबान में नहीं है किसी दूसरी ज़ुबान में है तो फिर आपको वो ज़ुबान आनी चाहिए। तो कुरान मजीद चूँकि अरबी में है लिहाजा इससे हम कमा हक़ हो हिदायत और रहनुमाई उस वक़्त हासिल कर सकते हैं जब हम इसको समझ सकें और इसका तर्जमा पढ़ लें और हमें पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने क्या हमें कहा है, अल्लाह ने हमें क्या कहा है। तो अल्लाह ने यहाँ पर एक तरगीब के अंदाज में अफला या तदब्बर उनल कुरान, ये कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। और कई जगह पे अल्लाह फरमाते हैं अफला या तफक्करूं, ये तफक्कर क्यों नहीं करते, ये सोचते क्यों नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को गौर व फिक्र के लिए हिदायत बनाकर और इसको समझने के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। कुरान मजीद की तिलावत करना भी सवाब है, यानी आप अगर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो एक एक हरफ पर आपको 10-10 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, लेकिन वो मकसद नज़ूल नहीं है। वो अगरचे आपको एक इजाफी फ़ायदा तो हासिल होता है, लेकिन कुरान मजीद को अल्लाह ने इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप तोते की तरह रट्टा लगा के बस इसको पढ़ते जाएं और आपको ये पता ना चले कि कुरान मजीद में अल्लाह ने हमसे तकाजा क्या किया है, अल्लाह ने हमें रहनुमाई की दी है और अल्लाह ताला ने हमें क्या हिदायत दी है। तो वो मकसद नहीं है, वो एक इजाफी फ़ायदा है। मकसद क्या है कि आप कुरान को समझें। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया सूरह कमर में वलकद यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान कर दिया है, लिज़िक्री समझने वालों के लिए, फहल मिन मुद्दकिर, क्या है कोई इसको समझने वाला। तो आज हम मुसलमानों को देखते हैं कि बस उनका काम ये है कुरान मजीद की तिलावत, और वो भी जिसको अल्लाह तौफीक दे, तिलावत भी बहुत कम लोग करते हैं, या फिर अगर हाफिज़े कुरान ने हिफ्ज़ कर लिया है तो उसको कोई पता नहीं कि कुरान मजीद में क्या बयान हुआ है, बस वो तोते की तरह रट्टा लगाया हुआ है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद को समझने के लिए ज़ाबता हयात बनाकर, दस्तूर ज़िंदगी बनाकर, ये 5 फुट की मशीनरी के लिए गाइडलाइन बनाकर अल्लाह ने भेजा है। और अगर आपको किसी ऐसी ज़ुबान मतलब घड़ी ख़रीदते हैं या कोई भी मशीनरी ख़रीदते हैं और उसकी जो गाइड बुक है वो किसी ऐसी ज़ुबान में हो जो आपको आती ना हो, तो आप वो मशीनरी चला सकते हैं, नहीं चला सकते। आप उतना ही चला पाएंगे जितना वो अपने आप चलेगी, लेकिन जब उसमें ख़राबी पैदा होगी, जब कहीं पर क्लैश आएगा, तसादम होगा, तो फिर आप वहाँ पर बैठ जाएंगे, आप उसको आगे नहीं चला सकते हैं। तो कुरान मजीद को समझना, कुरान मजीद के ऊपर अमल करना, ये कुरान मजीद का नुज़ूल का असल मकसद है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। और अगर सिर्फ हम तोते की तरह रट्टा लगा के पढ़ते चले जाएं, इसका मफहूम हमें ना आता हो, तो फिर कुरान मजीद का हम हक जो है वो अदा नहीं कर रहे हैं। कुरान मजीद का ये अदब नहीं है कि आप इसको खूबसूरत गुलाफ के अंदर लपेट कर अलमारी के ऊपर सब के ऊपर रख दें, ये कुरान मजीद की इज्जत नहीं है। कुरान मजीद की इज्जत ये है कि आप इसको समझें और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस बात का हुक्म दिया है उस पर अमल करें और जिस बात से अल्लाह ने मना किया है उससे रुक जाएं, ये है कुरान मजीद का बुनियादी मकसद। तो अल्लाह फरमाते हैं अफला, क्यों नहीं ये तदब्बरून, ये गौर व फिक्र करते अल कुरान, कुरान मजीद में, कुरान मजीद को समझते क्यों नहीं है। और फिर अगली बात अल्लाह ने ये कही कि कुरान मजीद को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अल्लाह का कलाम है। ये किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि इतनी बड़ी किताब और इतनी बड़ी किताब के अंदर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। अल्लाह ने जिस चीज़ का एक दफ़ा हुक्म दिया है पूरे कुरान के अंदर उसका हुक्म ही है, जिस बात से एक दफ़ा रोक दिया है पूरे कुरान में उससे रोका ही है। ये नहीं हो सकता कि एक जगह नमाज पढ़ने का हुक्म हो और आगे जाकर कहा हो जी नमाज ना पढ़ो, एक दफ़ा सच बोलने का हुक्म हो आगे जाकर सच ना बोलने का आ जाए हुक्म, या एक जगह एक चीज़ को हलाल कर दिया हो आगे जाके हराम कर दिया हो, पहले एक चीज़ को हराम कर दिया हो आगे जाके हलाल कर दिया हो। ये आपको किताब में इख्तिलाफ़ नहीं मिलेगा। हालांकि ये किताब 23 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने थोड़ी थोड़ी करके नाजिल की,
कोई भी इंसान जब किताब लिखता है तो उसकी वो फसाहत व बलागत, उसमें अदब की चाशनी और कलिमात का तनासब, जुमलों के अंदर बेहतरी और सारी चीज़ें जिस तरह किताब के शुरू में होती हैं वो सारी किताब में नहीं होती। कोई बाब उसके अच्छे होते हैं, कई बाब कुछ कमज़ोर होते हैं, कहीं पे जाकर वो सारी अदबी चाशनी और पूरी ग्रामर का खात्मा ही हो जाता है। और फिर ऐसा भी होता है कि इंसान अगर ये कुरान मजीद 500-600 सफ़े की किताब है, तकरीबन 600 सफ़े, इसके मुताबिक तो 1000 सफ़ा है तफसीर वाला, ये जो है 1000 सफ़े की किताब अगर कोई बंदा लिखे तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है तसादुम आ जाता है। एक जगह पे एक चीज़ को आदमी हलाल कह देता है, दूसरी जगह पे जाकर उसको हराम कह देता है, या एक जगह एक किस्सा बयान किया है, दूसरी जगह पर उसके बिल्कुल उलट जाकर बयान कर दिया है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये किताब, पूरी किताब के अंदर आपको कहीं तसादुम नहीं मिलेगा, कहीं इख्तिलाफ नहीं मिलेगा माने का, अल्फाज का, किसी भी एतबार से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब आप इसको को पढ़ेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा ना, जब हम तर्जमा पढ़ेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना कि अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा है। हम अगर वैसे ही पढ़ते चले जाएं, तलावत ही करते चले जाएं, तो हमें क्या पता कि यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है और आगे जाकर क्या कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद के सच्चा होने की दलील के तौर पर ये बात की है, क्योंकि काफिर तो कहते थे कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये किसी आलिम और यहूदी राहिब के पास जाते हैं, वहाँ से किससे कहानियाँ सुनकर आ जाते हैं और वो आकर हमें सुना देते हैं। इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों के किससे कहानियाँ हैं। तो फिर अल्लाह ने ये चैलेंज किया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के एजाज में और भी कई एक चैलेंज किए। मसलन एक जगह अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम वाकई ही इसके बारे में शक में हो तो तुम ऐसे करो, इस किताब जैसी एक किताब ले आओ। जब वो ये काम नहीं कर सके, अल्लाह ने कहा चलो 10 सूरतें ही ले आओ। जब वो 10 भी नहीं कर सके, अल्लाह ने कहा एक सूरत ही ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा नासु वल हिजारा। तो अल्लाह ने कहा कि तुम एक सूरत ही ले आओ, लेकिन वो एक सूरत भी इसके मुकाबले की ना ला सके, एक सूरत भी नहीं ला सके। और जो सूरत, एक बंदा था, उनका बहुत बड़ा शायर था, अदीब था, तो सारे अहले मक्का ने मिलकर उसके कहा कि जब अल्लाह बार बार हमें चैलेंज कर रहा है तो भाई तुम मिलकर कोई एक सूरत ही, चलो एक सूरत ही ले आओ। उसको उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया, उन्होंने कहा ये तुम्हारे घर के जितने अखराजात जो हैं वो हम बर्दाश्त करेंगे, बस तुम यहाँ बैठ जाओ, अकेले बैठकर सोचो और सोच सोच कर जो कम अज़ कम एक सूरत बनाकर ले आओ, ताकि हम कुरान मजीद को झूठा साबित कर सकें और अल्लाह ने जो दावा किया है उसकी हम तकजीब कर सकें। वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, अपने दौर का शायर था, अदीब था, वो बैठ गया। अब वो वर्का पकड़ता है, कुछ लिखता है, लिखने के बाद जब उसको पढ़ता है तो उसकी अपनी अकल ही कहती है कि पागल है तू, ये भला कुरान के मुकाबले की आयत है। उसको पाड़ के फेंक देता है। फिर एक और वर्का पकड़ता है, उसके ऊपर कुछ लिखता है, फिर उसकी अपनी अकल ही तस्लीम नहीं करती, फिर फाड़ देता है। वर्के लिख रहा है, फाड़ रहा है, कमरा भर दिया उसने वर्कों से। अब उसने आकर उनसे लेकर उधार लेकर खाया हुआ था, उन्होंने उनके अखराजात बर्दाश्त किए हुए। तो जो आयतें लिखकर वो बाहर निकला, आखिरकार एक साल की मेहनत के बाद वो आयतें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और फिर आपको उसका तर्जमा भी सुनाता हूँ, तो आप ही हंसना शुरू कर देंगे। कहता है जी अलफ़ीलु मलफ़ील वमा अदरा का मलफ़ील लहू खुरतूमुन व ज़म्बुन तवील। और ये भी उसने कुरान मजीद की जो सूरतें थी, अलहाक़तुम अलहाक़ा या अलक़ारियतुम अलक़ारिया, इन आयतों की नकल की उसने, अपनी तरह से नहीं बना सका। कहता है जी अलफ़ील हाथी, आगे कहता है मलफ़ील हाथी क्या है, फिर वमादरा का मलफ़ील तुझे क्या पता हाथी क्या है, फिर आगे बताता है जी लहू खुरतूम, उसकी एक लंबी सी सूंड होती है, वह ज़म्बन तवील एक लंबी सारी उसकी दोम होती है। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए ये बच्चे भी हंस रहे हैं इस बात में, यानी कि कुरान मजीद का मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़ा शायर और अदीब बैठा, लेकिन उसने जो जुमले लिखे वो ऐसे थे कि उसकी अपनी अकल भी उनको तस्लीम नहीं कर रही थी, और किसी ने भी कहा, किसी ने भी नहीं कहा कि ये कुरान मजीद के लेवल के और उस ग्रामर और अदब के मुकाबले के जुमले हैं। बच्चों ने भी हंसना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के जो दावे हैं, अल्लाह के जो चैलेंज हैं, अल्लाह के दावों और चैलेंज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये कुरान मजीद एक मोजज़ा किताब है, अल्लाह ताला ने इसको मोजज़ा बनाकर भेजा है। और फिर उन लोगों की एक ये भी आदत थी कि जब भी कोई शायर
अपना कलाम या अपना कसीदा लिखता तो वो उसको एक कागज़ पे लिखकर बैतुल्लाह की दीवार के साथ जाकर लटका देता था। अब उनका बड़ा शायर जो है वो आता, सारे कसायद पढ़ता, सारे शेर पढ़ता और उसके बाद वो फैसला करता कि ये अव्वल नंबर है, ये दोम है, ये सोम है, उनको पोजीशनें दे देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया कि एक छोटी सी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये सूरत जो है एक कागज़ पे लिखी और ये भी वहाँ पे बाकी लोगों के कसायद के साथ जाकर ये भी लटका दी, छोटी सी तीन आयतें हैं इनकी। तो अब वो आदमी आया, जज जो था उनका, उसने सारे कसीदे पढ़े। जब सूरतुल कौसर पे आया, एक दफ़ा पढ़ा, बात दिमाग में नहीं आई, फिर पढ़ा, बार बार पढ़ रहा है। ओ भाई, अल्लाह ने तुझे इतना दिमाग ही नहीं दिया है, ये तो अल्लाह का कलाम है। तो जो बादशाहों का कलाम होता है वो कलामों का बादशाह होता है, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। ये तो खालिक़े कायनात, मालिक़े अर्ज़ व समा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम था, ये उसके दिमाग में कैसे आ सकता था? इतनी फसाहत व बलागत, ऐसा एजाज और ऐसा उसके अंदर सजा, और फिर ऐसे हरूफ की मुनासबत, कलिमात की मुनासबत, वो बड़ा हैरान हुआ। जब उसको समझ नहीं ना आई तो कहता है वल्लाही मा हाजा कलामुल बशर, अल्लाह की कसम ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। तो ये है मोजज़ा, ये है इस कलाम की फसाहत व बलागत, ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कलाम के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने यही कहा कि बेशुमार इसके सच्चा होने के दलाइल हैं, उनमें से एक दलील ये भी है वलौ काना, अगर ये कुरान होता मिन इंदी गैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से, जिस तरह के काफर कहते थे कि अल्लाह के नबी किसी से सीख कर आते हैं, या ये पहले लोगों के किस्से कहानियां हैं, या फलां बंदे के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ किताबें पढ़कर आकर हमें कहते हैं ये अल्लाह ने नाजिल किया है, तो अगर ये अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की तरफ से होता ला वजदू फीही, अलबत्ता ये इसमें पाते इख्तिलाफन कसीरा, बहुत सारा इख्तिलाफ, क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि आज से 20 साल पहले मैंने क्या बात की थी और आज मैंने क्या बात करनी है। कुरान मजीद तो 23 साल की उम्र ज़िंदगी में नाजिल हुआ है ना, 23 साल की मुद्दत के अंदर, तो उसको याद नहीं रहता। हम यहाँ मस्जिद में बैठे कोई बात करते हैं, बाहर जाते हैं हमें वो भूल जाती है, हम कोई और बात कर देते हैं। तो इंसान का दिमाग इतना मजबूत नहीं है। अगर इसके अंदर इख्तिलाफ नहीं है, अगर 23 सालों के अंदर इसकी कोई आयत दूसरी आयत से मुतसादिम नहीं है, अगर कोई आयत या कोई कलमा या कोई हुक्म जो है, कोई माना जो है, किसी माने से टकराता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुरान मजीद किसी बड़ी अजीम हस्ती की तरफ से है। और वो हस्ती कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो हर अयूब से, हर तरह के नकायस से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अंदर कोई कमी नहीं है। तो ये अल्लाह की किताब है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की एक सादगी बयान की है, जो मुसलमान उस दौर में हुए थे उनकी एक सादगी बयान की है। होता यह है कि जब जंग के हालात चल रहे हों तो उन हालात में फतह की खबर को भी छुपाया जाता है और शिकस्त की खबर को भी छुपाया जाता है, और मकासद के तहत बसा औकात फतह को शिकस्त शो करवाया जाता है और शिकस्त को फतह शो करवाया जाता है। ये जंगी चालें होती हैं। तो होता ये था कि जब कहीं से कोई फतह की खबर आ जाती तो जो सादा लोग मुसलमान थे, जो इन चीज़ों को नहीं समझते थे, जो गहराई से इन खबरों के अंदर नहीं जाते थे, वो खुशी मनाना शुरू कर देते जी हमें फतह मिल गई, जी फतह मिल गई, जी फतह मिल गई। और दुश्मन जो है वो चुकन्ना हो जाता और वो अपनी ताकत और बढ़ा लेता और कवायल से जो है वो मदद ले लेता, और वो जो फतह की खबर होती थी वो उसको अफशा करने की वजह से मुसलमानों का नुकसान हो जाता। या बसा अवकात ऐसा भी होता कि मुसलमानों को मसलन शिकस्त हो रही है, तो अगर शिकस्त हो रही हो और उसको आप ओपन कर दें तो फिर लड़ने वालों के जो है हिम्मत जो है वो कमज़ोर हो जाती है, वो शिकस्त खुर्दा हो जाते हैं, उनके अजायम कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस शिकस्त को छुपाया जाता है, बल्कि उसको फतह जो है वो जहर किया जाता है, जी फतह मिल रही है, जी हमने इतनी जगहों पे कब्ज़े कर लिए, जी इतने काफर जो हैं हमने कत्ल कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ये जंगी चालें होती हैं।
तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही हमें हुक्म दिया है, ये एक तालीम दी है, अदब सिखलाया है कि इस तरह की कोई भी खबर आए, फतह की खबर आए या शिकस्त की खबर आए, तुमने वो लोगों के अंदर ओपन नहीं करनी है। जिसको खबर मिले वो जाकर जिम्मेदार आदमी से मिले, जो मामलात की गहराई को जानता है, जो मामलात को अंदर से देखता है। अब हमारे यहाँ अखबार छपता है, अखबार में खबरें कुछ और होती हैं लेकिन अमलन खबरें कुछ और चल रही होती हैं, अमलन हकायक कुछ और होते हैं। बहुत सारे ये जंगी मसाइल होते हैं ऐसे, तो अल्लाह ताला ने हमें यही अदब दिया है। अल्लाह फरमाते हैं वाइज़ा जाअहुम, और जब आता है उनके पास या आती है उनके पास अमरुन, कोई खबर, मिनल अमनी, अमन की यानी फतह की, अविल खौफी या खौफ की यानी शिकस्त की, अज़ाउ बिही, तो वो उसको मशहूर कर देते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए, वलौ रद्दूहु, अगर वो उसको लुटा दें, इला रसूल, रसूल की तरफ, व इला उलिल अमरी, और उलिल अमर साहिब हुक्म की तरफ, जुम्मादार शख्सियत की तरफ, मिनहुम उन में से, ला आलिमहु, तो जान लेंगे उस खबर की हकीकत को, अल्लाज़ीना, वो लोग, यस्तंबितूनहु, जो उसकी गहराई में जाने वाले हैं, मिनहुम उनमें से, यानी कोई भी खबर आए तो फौरन लोगों में उसको ओपन ना करें। ये आप लोग जानते होंगे, ये जो इंटेलिजेंस की एजेंसियाँ होती हैं उन्होंने बड़े कोड वर्ड रखे होते हैं और वो सिर्फ उन कोड्स की बुनियाद पे चल रहे होते हैं और उनको हर बंदा नहीं समझ सकता है जो जिम्मेदार होता है, जो उन मामलों को चला रहा होता है वही उसको समझता है, कोई आम बंदा उसको नहीं समझ सकता। बसाओ का खबर ऐसी होती है कि जिसमें मुजाहिर ऐसा महसूस होता है कि शायद शिकस्त हो रही है लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा इशारा होता है कि आदमी जिम्मेदार को पता चल जाता है जी नहीं, फतह हो रही है, शिकस्त नहीं हो रही, क्या हो रहा है, फतह हो रही है। और वो खबर इस अंदाज में इसलिए फैलाते हैं ताकि दुश्मन चुकन्ना ना हो जाए, कहीं वो और कमक ना मंगवा ले, कहीं वो और लश्कर और दस्ते ना पीछे से मंगवा ले। तो अल्लाह ताला ने यही हमें अदब सिखाया है कि मुसलमान जो हैं वो बड़े समझदार होते हैं, हर मामले को हैंडल करते हैं बड़ी हिकमत के साथ, दानाई के साथ, बस ऐसे शोर नहीं मचा देते किसी भी मामले में, सोच समझ कर वो बात करते। और फिर अल्लाह ने फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत ना होती, लत्तबअतुम शैताना, तो तुम ज़रूर शैतान के पीछे लग जाते, इल्ला कलीला, सवाए चंद लोगों के, यानी ज़्यादा लोग जो है वो शैतान के पीछे लग जाते। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कातिल फ़ी सबीलिल्लाह, ए नबी आप अल्लाह की राह में लड़ाई करें, ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ्सका, आप ज़िम्मेदार नहीं हैं मगर अपनी जान के, यानी आपका काम ये है कि लोगों को हुक्म दे दें, तरगीब दे दें, उनको लड़ाई का ऊपर उबारें, अल्लाह का हुक्म सुना दें, लेकिन अगर वो नहीं निकलते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, वो खुद गुनहगार हैं, आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ अपनी जान की है, आपसे हमने जो सवाल करना है वो आपकी अपनी ज़ात के बारे में है। अगर आपने पैगाम पहुँचा दिया है फिर किसी ने नहीं माना तो उसका ज़िम्मेदार वो है जो नहीं मान रहा है, और आपको हुक्म यही है कि आप निकलें। और उसके बाद फरमाया वहरिज़िल मुमिनीन, और मोमिनों को आप लड़ाई पर आमादा करें, उनको तरगीब दें, असल्लाहु, शायद कि अल्लाह ताला अय्यकुफ़ा, रोक दे बअसल्लज़ीना, उन लोगों की लड़ाई को, काफर, जिन्होंने कुफर किया, यानी जब आप लोग आगे से निकलेंगे तो वो जो काफर आपके ऊपर हमला आवर होते हैं, जंगे बदर में भी काफरों ने हमला किया, जंगे ओहद में भी काफरों ने हमला किया, जंगे खंदक में भी काफरों ने हमला किया, तो अगर आप लोग भी आगे से मुकाबला करने के लिए निकलेंगे तो फिर अल्लाह उनके हाथों को रोक देगा, उनकी जंग को रोक देगा, उसके आगे एक बंद बांध देगा। और अल्लाह के नबी ने फिर गज़वा खंदक के मौका पर फरमाया था कि ये लोग अपनी सारी ताकत एक दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब ये हम पर हमला आवर नहीं होंगे, हम इनके ऊपर हमला के लिए जाएंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जो है खुशखबरी सुनाई। और उसके बाद फरमाया वल्लाहु अशद्दु बासन, और अल्लाह सख्त, बहुत सख्त लड़ाई करने वाला है, यानी जिसके साथ अल्लाह लड़ाई करे अब कौन, अल्लाह का कौन मुकाबला कर सकता है। वल्लाहु अशद्दु, अल्लाह बहुत सख्त है बासन, लड़ाई के एतबार से। तो देखे ना जंग बदर में क्या था, 313 एक साइड पर और उधर से 1000, इनके पास एक घोड़ा था और 70 जो है वो ऊँट थे मुसलमानों के पास, और उनके पास 100 घोड़े थे और ऊँट बेशुमार थे, और फिर इनके पास असलहा भी पूरा नहीं था,
किसी के पास तीर था तो उसके पास कमान नहीं थी, कमान थी तो उसके पास ढाल नहीं थी, ढाल थी तो उसके पास तलवार नहीं थी। तो ये असल में लड़ाई के लिए तो मुसलमान निकले ही नहीं थे, ये तो उस काफले का रास्ता रोकने के लिए निकले थे जो अबू सुफियान जो है शाम से लेकर मक्का की तरफ जा रहा था। और आपको पता हो कि हमने काफले का रास्ता रोकना है और उसमें 8-10 बंदे होंगे और हम 313 हैं, तो आदमी कहता है यार खास तैयारी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उस दिन हक व बातिल का फ़र्क करना चाहते थे, हक व बातिल के दरमियान अल्लाह ताला हद फासिल खींचना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको लड़ाया और फिर अल्लाह ने पहले 3,000 फिर 5,000 फरिश्ते भेजे और कुफार के 70 बड़े बड़े जो खड़पैंच थे सरदार थे वो वासले जहन्नम हुए और इतने ही लोग उनके जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए। तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु अशद्दु बासन, अल्लाह बहुत सख्त है लड़ाई में, वह अशद्दु तनकीला और बहुत सख्त सज़ा देने वाला भी है। चलें जी तर्जमा देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यतदब्बरून अल-कुरान, ये लोग कुरान मजीद में तदब्बर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। वलौ काना, अगर ये कुरान होता, मिन इंद गैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से, ला वजदू, अलबत्ता वो पाते, फी ही इस कुरान मजीद में, इख्तिलाफन कसीरा, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ। व इज़ा जाअहुम, और जब भी आती है इनके पास अमरुन, कोई ख़बर, मिनल अमनी, अमन की यानी फ़तह की, अविल खौफी, या खौफ की यानी शिकस्त की, अज़ाउबी, तो वो उसको मशहूर कर देते हैं। वलौ रद्दुहु, अगर वो उसको लुटा देते, इला रसूली, अपने रसूल की तरफ, व इला उलिल अम्री, और ज़ुम्मादार हाकिम की तरफ, मिनहुम, उनमें से, लअलिमहू, तो उस ख़बर को जान लेते वो लोग, यस्तंबितूनहू, जो उसकी तह तक पहुँचने वाले हैं उनमें से, उसकी हकीकत को जान लेते। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, और अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तुम पर और उसकी रहमत ना होती, लत्तबअतुम अश्शैताना, तो तुम पैरवी करते शैतान की, इल्ला क़लीला, मगर थोड़े। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, ए नबी आप लड़ें अल्लाह की राह में, ला तुकल्लफु, आपको नहीं सवाल किया जाएगा या नहीं मुकल्लफ और ज़िम्मेदार बनाया जाएगा, इल्ला नफ्सका, मगर अपनी जान का, आपको नहीं ज़िम्मेदार बनाया गया मगर अपनी जान का। वहर्रिदिल मुमिनीन, और आप मोमिनों को लड़ाई पर उबारें, असल्लाहु, शायद कि अल्लाह ताला अय्यकुफा, रोक दे, बासल्लज़ीना कफरू, उन लोगों की लड़ाई जिन्होंने कुफर किया, वल्लाहु अशद्दु बासन, और अल्लाह सख्त है लड़ाई के एतबार से, व अशद्दु तनकीला, और बहुत सख्त है सज़ा देने के एतबार से। जी दोबारा सुन लें, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, ये लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर ये कुरान मजीद अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता, ला वजदु फीह इख्तिलाफन कसीरा, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाते। वाइज़ा जाअहुम अमरुन मिनल अमनी अविल खौफी, और जब भी उनके पास कोई ख़बर आती है अमन की या खौफ की, अज़ाउ बिही, तो वो उसे मशहूर कर देते हैं। वलौ रद्दूहु इलर रसूल, अगर वो उसे रसूल की तरफ लुटा देते, व इला उलिल अम्र मिनहुम, और अपने में से ज़िम्मेदार हाकिम की तरफ लुटा देते, लअलिमहुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, तो जान लेते उस ख़बर की हकीकत को वो लोग जो कि उसकी तह तक पहुँचने वाले हैं। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, और अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तुम्हारे ऊपर और उसकी रहमत ना होती, लत्तबअतुम अश्शैताना, तो तुम ज़रूर पैरवी करते शैतान की, इल्ला क़लीला, मगर चंद। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, आप ए नबी आप लड़ाई करें अल्लाह की राह में, ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सका, आपको नहीं ज़िम्मेदार बनाया गया मगर अपनी जान का। वहर्रिदिल मुमिनीन, और मोमिनों को भी लड़ाई पर उबारें, आमादा करें। असल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह ताला अय्यकुफा, रोक दे, बासल्लज़ीना कफरू, काफरों की लड़ाई को, वल्लाहु अशद्दु बासन, और अल्लाह ताला बहुत सख्त हैं लड़ाई के एतबार से, व अशद्दु तनकीला, और बहुत सख्त हैं सज़ा देने के एतबार से। सदक़ल्लाहु अल-अज़ीम।